हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल की प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। आज हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन। इसमें पहले का ओल्ड कंप्यूटर और आज के न्यू कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। आज कंप्यूटर फंडामेंटल की 6th क्लास है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन। इसमें पहले का ओल्ड कंप्यूटर और आजकल के न्यू कंप्यूटर में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में सीखेंगे। पहले के ओल्ड कंप्यूटर को बनाने में किस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे और आजकल के न्यू कंप्यूटर को बनाने में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरेशन। जनरेशन क्या है, व्हाट इज द जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। आज से 50-60 साल पहले पहले के ओल्ड कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही कम होती थी और उसमें काम भी हम अच्छे से नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल के कंप्यूटर में हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और पहले के कंप्यूटर से 1000 गुना ज़्यादा आजकल के कंप्यूटर की स्पीड है। तो समय के अकॉर्डिंग जो भी चेंजिंग होता है उसी को हम बोलते हैं जनरेशन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द कंप्यूटर बेस्ड अपॉन द ओल्डर टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बीन रिप्लेस बाय ए न्यूअर फॉर्म ऑफ मशीन्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। पहले के कंप्यूटर में ओल्ड टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यूज करते थे और आजकल के कंप्यूटर में न्यू टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यूज करते हैं। तो समय के अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूटर में चेंज हुआ है उसी को बोलते हैं हम जनरेशन। यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दिस स्टेज आर कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी को बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। समय के अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूटर में चेंजिंग हुए हैं उसे 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से लेकर के 1959 तक यूज किया गया। यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है लार्ज इन साइज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज में बहुत ही बड़ा था, टेकिंग अप ए लॉट ऑफ स्पेस इन ए रूम। एक रूम के अंदर जहाँ भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रखते थे बहुत ही स्पेस घेरता था। और इट वेटेड ओवर 30 टन से, इसका वेट 30 टन से भी ज़्यादा था, यानी कि 3000 किलो से भी ज़्यादा। इसके वेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, पहले का कंप्यूटर कितना बड़ा था। मैं आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जब कंप्यूटर है इसी को बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है इनका जो हेड है इससे यह कंप्यूटर कितना ऊपर तक जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक रूम के अंदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कितना स्पेस लेता है और इसका जो वेट होता है 30 टन से भी ज़्यादा, यानी कि 3000 किलो से भी ज़्यादा। और इसके बाद दिया हुआ है, वेरी स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा इनपुट या आउटपुट होता था उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी और हाई इलेक्ट्रिक कंसम्पशन से, बिजली भी बहुत खाता था और कॉस्टली टू बाई। इस कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा थी। लिमिटेड मेमोरी स्पेस, इस कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिट थी। डिपेंड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इंटरनल ऑपरेशन। इस कंप्यूटर में डाटा इनपुट या आउटपुट जो भी हमें रिजल्ट मिलता था वो मिलता था वैक्यूम ट्यूब से। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। जो हमारा पहले का कंप्यूटर था यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसके अंदर जो भी डाटा इनपुट या आउटपुट होने के बाद उसके अंदर जो भी डाटा प्रोसेसिंग होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पहले के कंप्यूटर में जितने भी काम होते थे वो सारे काम होते थे किससे, वैक्यूम ट्यूब से। इसके बाद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क ऑन बाइनरी कोड्स कॉन्सेप्ट 0 एंड 1। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो भी काम करते थे 0 और 1 का यूज करके, इसे हम बोलते हैं बाइनरी कोड्स। यह कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता था, बाइनरी कोड्स ओनली 0 और 1। और आजकल के जो भी कंप्यूटर्स है इनकी भी भाषा जो होती है बाइनरी कोड्स 0 और 1। लेकिन आजकल के कंप्यूटर में जो भी हम टाइप करते हैं हमें वही रिजल्ट मिलता है।
वो इसलिए आजकल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो बाइनरी कोड को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। इसके बाद दिया है रिक्वायर एयर कंडीशन टू कूल डाउन द हीट जनरेटेड। जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को स्टार्ट करते थे तो बहुत ही तेज गर्म होता था, तो उसे ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इस वाले कंप्यूटर में अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उसे चेक करने में, उसे फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगता था, इसीलिए डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसे मेंटेन करने में भी बहुत परेशानी होती थी। और यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन सभी कंप्यूटर के नाम क्या थे? इनी एसी, ईडी वेक, यूनिवेक, आईबीएम 701, आईबीएम 650, ये सभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम दिए हुए हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पर्सन है जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनके हेड से, इनके सर से ये कंप्यूटर कितना ऊपर है, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंप्यूटर कितना बड़ा था। और इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंटरनल काम होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब से, जो इस टाइप से दिखाई देता है। इसके बाद सीखेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को 1959 से लेकर के 1965 तक यूज किया गया और यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है स्मॉल इन साइज, साइज में काफ़ी छोटा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है इसे बोलते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे हैं इनके सर से ये कंप्यूटर कितना नीचे है, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कितना छोटा हो गया। इसके बाद दिया हुआ है लो कॉस्ट, इस कंप्यूटर को बनाने में इसकी जो भी कॉस्ट थी वो कम हो गई। और फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इस वाले कंप्यूटर की स्पीड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा थी। और लेस इलेक्ट्रिक कंसप्शन, इस कंप्यूटर को यूज करने के बाद बिजली का खर्चा भी कम हो गया। इंक्रीज मेमोरी स्पेस, इस कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ गई। यूजिंग ट्रांसिस्टर्स रिप्लेसिंग द वैक्यूम ट्यूब, देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो भी इंटरनल काम होते थे वो सारे काम होते थे किससे? वैक्यूम ट्यूब से। लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांसिस्टर का यूज किया गया, यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा इनपुट या आउटपुट में जो हमें रिजल्ट मिलता था वो मिलता था ट्रांसिस्टर से। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स ट्रांसिस्टर कैसा दिखता है। यहाँ पर ये जो फोटो है इसे हम बोलते हैं ट्रांसिस्टर। यहाँ पे ब्लैक कलर का है और यहाँ पे इसके अंदर तीन लेग दिए हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसिस्टर से। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जितने भी इंटरनल काम होते थे वो सारे काम होते थे ट्रांसिस्टर से। इसके बाद जनरेट लेस हीट, इस वाले कंप्यूटर की हीटिंग पावर भी कम हो गई। और इजी टू मेंटेन, अगर इस कंप्यूटर में कोई पार्ट खराब हो जाए तो उसे मेंटेन करने में भी काफ़ी इजी हो गया। यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से आईबीएम 1620, आईबीएम 1794, सीडीसी 1604, सीडीसी 3600, यूनिवेक 1108, ये सारे हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ फ्रेंड्स सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये देखिए ये हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स है और यहाँ पर ये पर्सन इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी काम होता है वो होता है किससे? ट्रांसिस्टर से। इसके बाद सीखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यह कंप्यूटर 1965 से लेकर के 1971 तक यूज किया गया और यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है स्मॉल इन साइज, साइज में काफ़ी छोटा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो कंप्यूटर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, आप देख सकते हैं यह कंप्यूटर साइज में कितना छोटा हो गया। इसके बाद लो कॉस्ट, इस कंप्यूटर को बनाने में इसकी कॉस्ट भी कम हो गई। लेस इलेक्ट्रिक कंसप्शन, से बिजली का खर्चा भी कम हो गया। लार्ज मेमोरी स्पेस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इन चिप, इस कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई और डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी को चिप में यूज किया गया। यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी रिप्लेसिंग ट्रांसिस्टर से, इस कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसिस्टर को हटा करके आईसी का यूज किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स आईसी कैसा होता है, ये देखिए आपने ऐसा देखा होगा, इसी को बोलते हैं आईसी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांसिस्टर का यूज किया गया था, तो इस कंप्यूटर में ट्रांसिस्टर को हटा करके डाटा प्रोसेसिंग के लिए आईसी का यूज किया गया है, इसी को बोलते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जनरेटेड लेस हीट, इस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद इसकी जो हीटिंग पावर है बहुत ही कम हो गई।
और इजी टू मेंटेन है। अगर इस कंप्यूटर में कोई भी पार्ट खराब हो जाए तो उसे मेंटेन करने में भी काफ़ी इजी हो गया। यहाँ पर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल दिया हुआ है, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 316। यहाँ पर ये जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सभी नाम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हैं। आप चाहो तो इन सभी नाम को गूगल इमेज में सर्च करके इन सब की फ़ोटो देख सकते हो। मैं एक बार फिर से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर है इसी को हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो साइज में काफ़ी छोटा हो गया और इसके अंदर जो भी डाटा प्रोसेसिंग होता है वो होता है IC से, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इस टाइप से दिखाई देता है। इसके बाद सीखेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यह कंप्यूटर 1971 से लेकर के 1980 तक यूज किया गया और यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत ही छोटा हो गया। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है ये हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, आजकल जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो सभी कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और इसके बाद वेरी लो कॉस्ट, इस कंप्यूटर को बनाने में इसकी जो कॉस्ट थी बहुत ही कम हो गई। वेरी हाई स्पीड, इस वाले कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो गई। वेरी लेस इलेक्ट्रिक कंसम्पशन, इस वाले कंप्यूटर में जो भी बिजली का खर्चा था बहुत ही कम हो गया। मच मेमोरी स्पेस, इस कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई, बहुत ही अधिक। यूजिंग VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेसिंग IC, इस वाले कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए IC को हटा करके VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, इसी को हम बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो भी डाटा प्रोसेसिंग होती है या फिर इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं सबकी कंट्रोलिंग वो होती है VLSI से। इसके बाद जनरेट वेरी लेस हीट, इस वाले कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद इसकी जो हीटिंग पावर है बहुत ही कम हो गई। और वेरी इजी टू मेंटेन, इस कंप्यूटर में अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो उसे मेंटेन करने में काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी इजी हो गया। यहाँ पर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल दिया हुआ है, DEC 10 STAR 1000, PDP 11, CRE 1 सुपर कंप्यूटर, ये हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। CRE XMP, ये भी हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। आगे की वीडियो में हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है ये सारे कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है। मैं आपको दोबारा से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है और यहाँ पर इसके अंदर जो भी डाटा प्रोसेसिंग होती है वो होती है VLSI से, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इस टाइप से दिखाई देता है। इसके बाद सीखेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यह कंप्यूटर 1981 से लेकर के टिल डेट आज भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दोनों का यूज किया जाता है। ज़्यादातर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज हाई लेवल में किया जाता है, जैसे मौसम विभाग में, रेलवे, एयरवे और रोबोट बनाने में भी किया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है VLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इस कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए VLSI का यूज किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स ये कैसा दिखाई देता है। ये हमारा एक प्रोसेसर है Core i7 का, आपने सुना होगा Core i5, Core i3, इसी को हम बोलते हैं VLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो इस कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है डाटा प्रोसेसिंग के लिए। और यहाँ पर इसके बारे में और भी फीचर दिए हुए हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यह कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है इसके अंदर जो भी हमें रिजल्ट मिलता है बिल्कुल ट्रू मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यह कंप्यूटर प्राकृतिक लैंग्वेज की प्रोसेसिंग भी कर सकता है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस या सिचुएशंस होता है जहां पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्राकृतिक की भाषा को समझता है
और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी बता सकता है। जैसे मौसम विभाग में एक हफ्ते पहले ही बता देते हैं किस समय कितनी तेज बारिश होने वाली है। और मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, यह कंप्यूटर इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी यूजर इस पर आसानी से काम कर सकता है और बहुत सारे मल्टीमीडिया फीचर्स भी दिए हुए हैं जिसका यूज करके मनोरंजन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड चीपर रेट से, यह कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल है और रेट भी इसका थोड़ा सस्ता है। और यहाँ पे दिया हुआ है सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दिस जनरेशन, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप या नोटबुक है तो आप ये मत समझना कि आपके पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस दोनों कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट चेंज होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज करके क्या क्या बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का कोई भी रोबोट जो बनाते हैं इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये जो फोटो देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। इसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो एक साथ एक बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उन सभी कंप्यूटर की कंट्रोलिंग ये कंप्यूटर अकेला कर सकता है। तो ये भी हमारा एक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है और सभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या डिफरेंट है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी टाइप्स के बारे में, जैसे सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर क्या होते हैं और इन सभी में क्या डिफरेंट है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी और भी नई वीडियो आते ही आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।